आज की ताजा खबरों के सबरेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो बीपीसीएल का बड़ा ऐलान, पेट्रोल डीजल ग्राहकों को होगा बंपर लाभ। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक काफी बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल कंपनी ने पूरे देश में अपने फ्यूल रिटेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 14,273 नए पेट्रोल पंप ओपन करने का ऐलान किया है। वही कंपनी की प्रयास के द्वारा जो है पेट्रोल पंप के नेटवर्क को यहाँ पर बढ़ाना है। वही सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल लिमिटेड की ओर से बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। इस कंपनी ने यहाँ पर देश भर में अपने फ्यूल रिटेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 14,273 नए पेट्रोल पंप खोलने का ऐलान किया है। कंपनी के इस प्रयास के जरिए कंपनी जो है अपने पेट्रोल पंप के नेटवर्क को यहाँ पर बढ़ाना चाह रही है। वही कंपनी के द्वारा अपने पेट्रोल पंप नेटवर्क को बढ़ाने का प्लान ऐसे समय बनाया गया है जब देश में पेट्रोल डीजल की 6% सालाना गति से इजाफा यहाँ पर पेट्रोल डीजल हो रहा है। मौजूदा समय में कंपनी देश भर में यहाँ पर मौजूदा यहाँ पर पेट्रोल पंप नेटवर्क करीब 25% ऑपरेट जो है ये कहाँ पर करती है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीपीसीएल के डायरेक्टर जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने हाल में यहाँ पर 14,273 नए पेट्रोल फ्यूल पंप ओपन करने का प्रयास किया है। ये फ्यूल आउटलेट पूरे देश भर में ओपन किए जाएंगे और इसके द्वारा कंपनी का प्रयास अधिक से अधिक बाजार शेयर प्राप्त करना है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दी है राहत, रिवाइज किया है एमसीएलआर। अब आपकी जो ईएमआई किस्त जो है उसमें नहीं पड़ेगा सर। देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर। दरअसल एसबीआई ने लोन दरों को रिवाइज जो है वो कर दिया है। दरअसल एसबीआई बैंक ने जो एमसीएलआर रेट में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया है। एमसीएलआर की नई रिवाइज दरें जो है 15 तारीख से लागू हो गई है। एमसीएलआर वह दर होती है जिसमें कम ब्याज पर बैंक ग्राहकों को लोन यहाँ पर नहीं दे सकता है। वही अब एसबीआई के जो एमसीएलआर जो है बेस लैंडिंग रेट जो है वो 8.875% तक है। ओवरनाइट एमसीएलआर रेट जो 8% पर ही है। एसबीआई ने एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया। एमसीएलआर का सीधा असर जो है होम और कार लोन की ईएमआई पर होता है। अब ये रिवाइज एमसीएलआर दर है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है किसानों के लिए। अब किसानों को मिलेगा ब्याज फ्री लोन छठ से पहले। बिहार सरकार ने किसानों को दिया है तोहफा। छठ से पहले किसान जो है बिहार के उनको यहाँ पर सरकार की ओर से यहाँ पर अच्छा यहाँ पर एक तोहफा यहाँ पर दिया गया है। दरअसल बात यू है कि बिहार सरकार की ओर से किसानों को यहाँ पर तोहफा जो दिया गया उसकी ओर से जो घोषणा की गई उसके मुताबिक राज्य सहकारी बैंक जल्द ही किसानों को ब्याज मुक्त जो यहाँ पर अल्पकालिक कृषि लोन जो है वो बिहार के अंदर देंगे। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश में खेती को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त लोन देने का फैसला किया है। राज्य के सहकारिता विभाग के जो मंत्री जो है सुरेंद्र यादव उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि छोटे और सीमांत किसानों के विकास के लिए सरकार ने ये फैसला जो है वो लिया है। वही किसानों को प्रोत्साहन करने का ये उद्देश्य है। सरकार जो है उनका यहाँ पर किसानों के साथ यहाँ पर किसानों को प्रोत्साहन को लेकर यहाँ पर ये आने वाली है। सहकारी विभाग की ओर से यहाँ पर इस तरह की जानकारी जो है वो सहकारी विभाग के मंत्री जो है उन्होंने यहाँ पर कहा कि बिहार में किसानों को जो है ये लोन जो है वो दिया जाएगा।